नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। रम्य रामायणी कथा सुना रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि दक्षिण दिशा में गए हुए सारे वानर अवधि बीतने के बाद भी वापस नहीं आते। एक महीने का समय व्यतीत हो गया है लेकिन वो वापस नहीं आए, क्योंकि उनमें हनुमान, अंगद वगैरह सभी योद्धा हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते, देखिए इस पूरे अन्वेषण, सीता अन्वेषण के प्रसंग में जैसे महाराज सगर के पुत्रों ने वो अश्वमेध के अश्व को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी को खोद के रख दिया, जो उनके सामने आ गया उनको उन्होंने प्रताड़ित किया है। वानरों ने भी इस पृथ्वी पे कुछ इस प्रकार का आतंक उस समय मचाया है। अगर कोई राक्षस उनके सामने आ गया तो वो तो बेचारा अपने काम से चला गया, वो तो जिंदा बचा ही नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग यहां इस किष्किंधा कांड में आते हैं। लेकिन बड़ा समय व्यतीत हो गया, जब इनको कोई नहीं मिलते हैं तब एक दिन अंगद कहता है, कालश्च वो महाने आता सुग्रीवश्चोग्र शासन तस्मान भवंतः सहिता विचिन्नंतु समंतता। अंगद कहता है कि देखिए सुग्रीव जो है वो उग्र शासक हैं, और विशेष करके मेरे संदर्भ में तो बिल्कुल ही, मेरे पिता को उन्होंने मार दिया और ये एक बहाना मिल जाएगा उनको कि मैं जो कार्य सौंपा गया उसको करके वापस नहीं आया हूं, तो आप सब तो शायद बच जाए लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। तो कालस्य वो महान न्याता, वो जो उन्होंने एक अवधि दी थी वो अवधि पूरी हो गई है और सुग्रीव उग्र शासक हैं। तस्मात भवंता सहिता विचिन्वंतु समुद्रता, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ सीता को और ज्यादा प्रयत्न पूर्वक ढूंढना शुरू कर दो। विहाय तंद्रीम शोकम च निद्राम च समुत्थिताम विचिन्वध्वम यथा सीताम पश्याम भोजन का आत्मजा। नई नींद नहीं, वो नहीं मिल रही, इस चीज का कोई गम नहीं, आलस्य कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हम सीता को प्राप्त करें। अनिर्वेदम च दाक्ष्यम च मनसश्चापराजय कार्य सिद्धि करण्याहु तस्माद् एतद् ब्रवीम्यहम्। देखिए कई बार क्या होता है, कठिन कार्य करने के समय आपका उत्साह वर्धन करने के लिए कोई चाहिए, आपका मार्गदर्शक कोई हो वो तो एक बात है, लेकिन आपका उत्साह वर्धक भी होना चाहिए। अंगद नवयुवान तो है ही हैं, हैं? और ऊपर से युवराज भी हैं, साथ में राम की कार्य को करने के लिए उतने ही तत्पर हैं, सुग्रीव के साथ भय भी है, तो ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्वरूप देती हैं। और वो यहां पूरी वानर सेना से कहते हैं, अनिर्वेदम च दाक्ष्यम च मनसश्च अपराजय। अनिर्वेद, आप उदास नहीं हो सकते, हमेशा प्रफुल्लित मन रहना चाहिए, उत्साह से परिपूर्ण। दाक्ष्यम, हमेश कौशल्य और दाक्षिण्य के साथ, सावधानी के साथ में जिस कार्य में आप लगे उस कार्य को करने की आपकी आंतरिक अभिलाषा होनी चाहिए। मनसश्च अपराजय, और मन से आप कभी हार नहीं मान सकते हैं। कार्य सिद्धि कराने आओ, कार्य सिद्धि के ये हेतु कहे गए हैं, यानी जिनमें ये गुण होते हैं, जो व्यक्ति कभी उदास नहीं होता है, हमेशा उत्साह में रहता है, जो हमेशा सावधान रहता है, और जो व्यक्ति मन से पराजय स्वीकार नहीं करता है, आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों जो हैं कार्य सिद्धि के साधन हैं, उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य। जब इस प्रकार से सभी वानरों को अंगद ने उत्साहित किया तो सभी वानर पुनः जैसे कि उनका जोश द्विगुणित हो गया हो, इस प्रकार से फिर से सीता की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि सबको इस चीज का एहसास है, सुग्रीवः कोपनो राजा, कि सुग्रीव क्रोध करने वाला राजा है, तीक्ष्ण दंडश्च वानरः, और भयंकर दंड देता है। अगर उसकी बात पूरी नहीं हो तो जब वो दंड देते हैं तो भयंकर दंड देने वाले हैं। भेतव्यम तस्य सततम रामस्य च महात्मना, तो उनसे तो डरना ही चाहिए, और ऊपर से राम है उनके साथ में जिन्होंने एक बाण से बाली को मार दिया है। तो भैया यहां तो
हमें भयभीत रहना ही चाहिए, इस कार्य को किए बिना हम कैसे भी वापस नहीं जा सकते। इस तरह से तरह तरह के विचार करते करते और बड़ी खोजबीन के बाद भी जब सीता नहीं मिलती है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वो सभी लोग ढूंढते ढूंढते भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक बार एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गुफा उन्हें दिखाई देती है और वो गुफा में से पानी से तरबतर पक्षी बाहर आते हैं। उस गुफा को देख करके हनुमान, अंगद वगैरह सभी लोग उसके अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के समय तो बड़ा अंधकार था, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ जैसे तैसे वानर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, परस्परेण हनुमान अन्यान्यान से विदुरता गजो गवाक्षो गव्या सर्वो गंधमादना, इन सब का वर्णन किया है। सभी योद्धा एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के भूख प्यास से व्याकुल जैसे तैसे करके उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं जाकर के, ओहो हो हो क्या सुंदर दृश्य है, ऐसा स्वर्ग जैसा, जहां वृक्ष फल फूलों से लदे हुए हैं, पानी के सरोवर हैं, जिसमें पक्षी कलरव कर रहे हैं, पूरा सब कुछ देख करके सारे वानर एकदम हर्ष और आश्चर्य में डूब जाते हैं। उसी समय वहां पे एक वृद्धा हनुमान को दिखाई देती है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि हनुमान उस वृद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। विस्मिता हरियस्तत्र व्यवातिष्ठंत सर्वशाह पपृच्छ हनुमान सत्र काशितों कस्य वाबिलम। उस वृद्धा को देख करके हनुमान उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और ये बिल किसका है। वानर तो चारों तरफ फैल गए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का सब कुछ देख करके, क्योंकि ऐसी जगह पे ये कुछ भी मायापूर्ण हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जब तक उस चीज़ का विश्वास नहीं हो जाए, सारे आज्ञाकारी हैं, सब इस चीज़ की राह देख रहे हैं। हनुमान ने ये जब प्रश्न किया तो वहाँ उपस्थित वो स्वयं प्रभा, जिसका नाम है, वो तपस्विनी ये कहती है कि भाई मैं दानव नाम का एक परम प्रतापी दानव हुआ, पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने दानवों का विश्वकर्मा होने का पद प्राप्त किया और उन्होंने इस सुंदर गुफा का निर्माण किया। उन्हें हेमा नाम की अप्सरा से प्रेम हो गया और इस चक्कर में इंद्र के साथ उनका युद्ध हो गया और इंद्र ने वज्र से मैदानों को मार दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने हेमा को ये मैदानों की बनाई हुई गुफा दे दी है। हेमा इसकी मालकिन है, मैं उनकी सखी हूँ और उन्हीं के प्रताप से मैं इस पूरी गुफा की रक्षा करती हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। इस प्रकार से स्वयं प्रभा ने अपना पूरा परिचय और ये गुफा किसकी, इसके स्वामी कौन है, वो सारी बात तो बता दी। अब वो हनुमान से पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, क्या कारण है। तो हनुमान सबसे पहले तो कहते कि हमारे साथ ये जितने सब भूखे प्यासे हैं, पहले तो आप इनको अनुमति दीजिए सब कुछ खाने पीने की। जब सबको खाने पीने की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद हनुमान अपना पूरा परिचय देते हैं कि किस प्रकार से राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया है और सुग्रीव की आज्ञा से हम सभी वानर सीता की खोज में निकले हुए हैं और हम बड़े थके परेशान हो गए, कहीं भी हमें सीता के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम हो तो आप हमें बता दीजिए। तो स्वयं प्रभा कहती है कि मुझे ये तो मालूम है कि आपको कार्य सिद्धि अवश्य होगी, यानी आप जिस कार्य से निकले हैं वो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा, लेकिन कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम है। तब सारे वानर कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर तो निकाल दीजिए। तो स्वयं प्रभा कहती है कि वैसे तो इस गुफा में अंदर आने के बाद कोई बाहर नहीं जाया करता है, इसीलिए गुफा सुरक्षित है। अब देखिए एक बड़ी ही सुंदर कथा है यहाँ पे, इस प्रसंग के बीच में वो कथा आपसे मैं कह रहा हूँ और जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी कथा है, इसलिए आपको सुननी भी चाहिए। ऐसी ही एक गुफा है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस गुफा के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है।
अब एक उत्साही व्यक्ति, उसने निर्णय किया कि नहीं, मैं तो गुफा के अंदर अवश्य जाऊंगा। और वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है। जब वो अंदर पहुंचता है जाकर के, तो वहां सारे स्वर्गीय आनंदों को वो प्राप्त करता है। उसको अभी तक जो सारी दंत कथाएं और सारी कथाएं प्राप्त हुई थी कि यहां आकर के कोई जिंदा वापस ही नहीं जाता है, क्योंकि अंदर कुछ इस प्रकार का अघटित उसके साथ हो जाता है। लेकिन यहां जब वो आया तो वो क्या देखता है, यहां तो स्वर्ग के सारे सुख हैं। और जितने लोग जिनकी दंत कथाएं बाहर प्रचलित हैं कि वे फलाना गया वो वापस नहीं आया, अमुक व्यक्ति गया वो वापस नहीं आया, यहाँ वो सभी लोग अपने आनंद प्रमोद में खोए हुए हैं। क्योंकि यहाँ इतनी सुख सुविधाएं और इतने आनंद प्रमोद के साधन हैं कि व्यक्ति आता तो है लेकिन वापस जाने का मन ही नहीं होता, इसलिए वो वापस नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उसके साथ दुर्घटना घटित हो जाती है। तो मुझे जीवन में ये बात हमेशा याद रहती है कि जिन चीजों के बारे में लोग कुछ भी कहते हैं उसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा पॉजिटिव भी हो सकता है कि जिसकी वजह से व्यक्ति उस गुफा से बाहर नहीं आता है। यहां जो स्वयं प्रभा ने कहा है, यही कहा है कि भाई यहां से कोई वापस जिंदा नहीं जाता है वापस। लेकिन आप लोग ऐसे महान कार्य के लिए निकले हैं, आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। और सारे बानर उसके कहने से अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। और इसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो सभी समुद्र के किनारे हैं। इधर उधर काफी ढूंढने के बाद भी जब सीता की प्राप्ति नहीं हुई है तो अंगद और उनके कुछ वानर जो हैं अत्यंत उदास हो गए हैं। वो कहते हैं कि अब देखो वापस तो जाया नहीं जा सकता है, यहां पे हम बाहर रहेंगे तो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुग्रीव का सर्वत्र शासन है और सुग्रीव हम सबको यहां मृत्युदंड देगा। इसलिए एक काम करते हैं, इसी गुफा में वापस अंदर चलते हैं। यहां सब प्रकार की सुविधाएं, सारे खाने पीने के फल फूल, किसी चीज की कमी नहीं है और यहीं रहेंगे, अब यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तब हनुमान कहते हैं कि भाई आप जिस कार्य के लिए निकले हैं इस प्रकार का व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की आप सोच भी नहीं रख सकते। और उस तपस्विनी ने कहा है कि आपको कार्य सिद्धि अवश्य होने वाली है, इसलिए हमें उत्साह के साथ ढूंढना चाहिए सीता को। और इस प्रकार से हनुमान के कहने के अनुसार पुनः सभी वानर जैसे सीता की खोज के बारे में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, उसी समय वहां पे एक विशाल काय गीत, जिसके पंख नहीं है, वो अपनी एक पर्वत की गुफा में से निकल के बाहर आता है और इतने सारे वानरों को एक साथ देख करके परम आनंदित होता है। वो गीत आगे क्या करेगा, इस कथा को अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, रम्या रामायण कथा सुना रहा हूं। सुनते रहिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, विशेष करके मित्रों के साथ शेयर अवश्य।